हेलो नमस्कार, मेरा नाम रितेश श्रीवास्तव, मेरा बेटा अद्वय श्रीवास्तव 4 साल का है, वो यहाँ पर 4 मंथ्स हो रहे हैं। और सबसे पहले तो यहाँ पर का मेरे को पता जब स्कूल में एक एग्जीबिशन हो रहे थे वहाँ से पता चला था। और आज की डेट में सबसे ज़्यादा जो मेरे को प्रॉब्लम लगती है, आज के जो छोटे बच्चे हैं वो बहुत ज़्यादा टाइम स्पेंड करते हैं फ़ोन में, मोबाइल में, स्क्रीन टाइमिंग उनका इतना बढ़ गया है, हम लोग उनको कुछ प्रोडक्टिव नहीं कर पा रहे थे। उसके कारण यहाँ पर आके जो एक कंसेप्ट पता चला, दैट इज़ ब्रेन जिम, उससे क्या चीज़ है कि ब्रेन जिम से एक ये चीज़ हुआ कि कम से कम मेरा बेटा यहाँ पर आके मेडिटेशन कर रहा है, मेडिटेशन के साथ साथ में बच्चों से एंगेज होना सीख रहा है। उसके कारण एक यहाँ पर का सबसे ज़्यादा हाईलाइटेड है, दैट इज़ द ब्लाइंड फोल्ड। बट ब्लाइंड फोल्ड भी इतना ईजी नहीं है। सबसे पहले तो मेडिटेशन, एंगेजमेंट, उसके बाद में उनका जो मिडिल ब्रेन जो है, मिड ब्रेन जो एक्टिविटीज़ के साथ में जो एंगेज करना और इन्हेंस करना, उससे मुझे राइजिंग इंडिया का बहुत ज़्यादा अच्छा लगा कंसेप्ट। फेस बाय फेस लर्निंग बाय लर्निंग, एक एक में इतने अच्छे से सब चीज़ें, इतना टाइम बच्चे को लगता है, ऐसा नहीं है बिल्कुल जल्दी से ख़त्म करना है, टाइम देके उसके बेसिस में जितना अच्छे से हो सका उसके बेसिस में मेरा बेटा आज की डेट में ब्लाइंड फोल्ड कर पाता है, बच्चों से एंगेज हो रहा है, डांस कर रहा है, यहाँ पर आता है तो बोलता है कि मेरे को वापस नहीं जाना, मेरे को और मज़ा आ रहा है। तो ये सब चीज़ें राइजिंग इंडिया में यहाँ पर आके मैं थैंक यू बोलता हूँ, जिसके कारण मेरा बेटा आज के डेट में एंगेजमेंट स्टार्ट हो गया, मेरे बेटा एकेडमिक्स में अच्छा होते जा रहा है, बहुत सारी चीज़ें जो मैंने उसको कॉन्फिडेंस लूज, जो पहले जो कोरोना टाइम था तो उसमें वहाँ पर बच्चे एंगेज नहीं हो पाते थे एक दूसरे से, आज के डेट में मेरा बेटा हर किसी से एंगेज होता है, कॉन्फिडेंटली बात करता है। स्टिल अभी भी मैं मानता हूँ कि मेरे बेटे में कुछ जरूरत है, बट फेस बाय फेस धीरे धीरे चीज़ें हो जाएंगी। एट द सेम टाइम अभी आगे का जो रिकॉर्ड मैं बताना चाहता हूँ, ब्रेन जिम के साथ साथ में मैथमेटिक्स, वैदिक मैथ्स, अबैकस, कम्युनिकेशन स्किल्स।